फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था ना वैलेंटाइन डे वाले व्लॉग में कि हमारे हस्बैंड ने हमको गिफ्ट दिया है और गिफ्ट में उन्होंने हमको बहुत ही प्यारा सा सूट दिया है। और हमने आपसे बोला था कि अपना वो सूट हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में वो सूट दिखाएंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। और आज हम लोग जाएंगे दुल्हन का नाश्ता भी लेके, वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड, दुल्हन के लिए नाश्ते में क्या क्या बना है वो सब आपको बताएंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आप लोगों को भी अपना वो प्यारा सा गिफ्ट दिखाते हैं जो कि हमारे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पे दिया था। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा सूट जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। हम इसे आपको खोल कर दिखाते हैं। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सूट है और ये मेरे हस्बैंड की ही पसंद का है, कलर भी उनके पसंद का है और सूट भी उन्हीं के पसंद का है। ऑनलाइन ऑर्डर किया था स्टॉल जो कि शिमर का है, बहुत ही प्यारा स्टॉल है फ्रेंड। और इसी के साथ एक हमने और स्टॉल ऑर्डर किया था, वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, मगर हमारे हस्बैंड को सिर्फ शिमर वाला ही पसंद है, उनको वो वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद है एम्ब्रॉयडरी वाला। वो कह रहे हैं वो ज्यादा नहीं अच्छा है, ये वाला उनको ज्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला भी हमारा हिजाब कैसा है। और ये रहा हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला हिजाब, मगर जब हमने इसको पहना तो हस्बैंड कह रहे थे ये नहीं अच्छा लग रहा है, वो वाला पहनो शिमर वाला, तो फिर हमने सिर्फ शिमर ही वाला पहना, ये उनको नहीं पसंद था। फ्रेंड्स, एम्ब्रॉयडरी हिजाब का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं। दिखने में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और पहनने पर भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये छोटी सी वीडियो जो कि हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी, तो फिर हमने इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये पहनने पर कुछ इस तरह इसका लुक आता है। फ्रेंड्स, आप बताइएगा क्या ये अच्छा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, फिर होने लगी दुल्हन के घर नाश्ता ले जाने की तैयारी। और नाश्ते में देखिए क्या क्या बना था। दही फुल्की बनी थी, खीर बनी थी, उसी के साथ बना था मटर और आई थी जलेबी और साथ ही बना था पास्ता। फ्रेंड्स, और इसके साथ ही फ्रूट्स वगैरह थे और बहुत सारा नाश्ता बनके तैयार हो गया था। सब एकदम गर्मा गर्म नाश्ता था। उसके बाद सभी लड़कियां लेके गई नाश्ता पहुंचाने के लिए, दुल्हन को खिलाने के लिए। फ्रेंड्स, हम तो नहीं गए थे मगर ये कि लड़कियां गई थी, इसलिए वहाँ की हम कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाए। देखिए, नाश्ते को ट्रे में लगाया जा रहा है, बस पहुँचाने जा ही रहे। और साथ ही ये देखिए दूध भी आया था। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे शादी थी तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे शादी में जाने की, जिसके लिए हम रात सही तैयारी करने लगे थे। और हमने मेहंदी लगवाया, मेहंदी हमारे मामू ससुर की बेटी मंसलत ने लगाया था। और ये देखिए मेहंदी की डिजाइन कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, उसने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाया था।
और उसके बाद मेहंदी का कलर भी बहुत प्यारा आया था। अभी हम आपको इसका कलर भी दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो पे प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा नेक्स्ट व्लॉग भी जरूर देखिएगा। वो मैरिज पार्टी का व्लॉग है फ्रेंड्स, वो भी व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा है। उसमें भी आपको हम लोगों ने क्या क्या एंजॉय किया वो सब आपको बताएंगे। ये देखिए, ये मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी, ये भी बहुत ज्यादा प्यारी लगी है। और हमने सिर्फ बैक साइड ही लगवाया था, फ्रंट में नहीं लगवाया था हमने, क्योंकि आजकल फैशन में बैक हैंड पे ही मेहंदी का फैशन चला हुआ है फ्रेंड्स। और मेहंदी देखिए बहुत ज्यादा कलर प्यारा आया था फ्रेंड, थोड़ी लाइटिंग की वजह से इसमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा पर कलर बहुत अच्छा आया था। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात आप लोगों से और कहनी है, ये सूट और ये हिजाब हम कल मैरिज पार्टी में पहन के जाएंगे, उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे जब हम रेडी हो जाएंगे फ्रेंड। और आप लोग कल का भी व्लॉग हमारा जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।